दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे गेंदा यानी कि मरी गोल्ड के बारे में। इसके तीन एस्पेक्ट या फिर पहलुओं के पे बात करने वाले हैं, जो कि जिनमें से दो पहलुओं पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं और बहुत ही कम लोगों को पता होती है। और पहला वाला जो पहलू है वो सबको पता होता है कि इसका क्या यूज है, ठीक है। तो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आज की क्या जानकारी है इस वीडियो के अंदर। हमारा जो मैरी गोल्ड होता है ऑल ओवर इंडिया में, क्या होता है कि मैरी गोल्ड की दो वैरायटी उगाई जाती है, जिसमें फ्रेंच मैरी गोल्ड एंड अमेरिकन मैरी गोल्ड का उपयोग किया जाता है, उगाया जाता है कॉमर्शियल रूप से भी। और अभी इंडिया के अंदर इसकी जो खेती है, मैरी गोल्ड की खेती या फिर गेंदे की खेती कर लो, वो बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल इनकम के तौर पर निकल के आ रही है। वैसे तो सारे जितने भी कट फ्लावर हैं उनको यूज किया जाता है, जो कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे बहुत सारी जगह उगाया जाता है। बट अभी जो है मैरीगोल्ड भी ट्रेंड में आ रहा है, क्योंकि इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है और एज ए कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे भी इसको उगाया जाने लगा है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, अगर आप इनको लगाते हैं तो बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं क्या क्या इनके बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि जब भी हम मैरीगोल्ड देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि फूल फ्लावर के लिए मैरीगोल्ड को उगाया जाता है और फ्लावर के तौर पे ही मैरीगोल्ड को जाना जाता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि हम इसको मैरीगोल्ड को क्या है कि एज ए ट्रैप क्रॉप भी यूज करते हैं, जो कि हमें बहुत सारे कीट पतंगों से बचाती है फसल को हमारी। और एक और इसमें आता है कि जो हमारा निमेटोड होता है, जो निमेटोड हमारी सॉइल में रहता है और प्लांट को हमारे इन्फेक्ट कर देता है, तो उससे भी अगर हम मैरीगोल्ड की मिक्स क्रॉपिंग या फिर इंटरक्रॉपिंग करते हैं या फिर बॉर्डर क्रॉप के तौर पर उगाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट में ही एक और चीज़ आती है कि हम मैरीगोल्ड को एंटी बैक्टीरियल का भी यूज करते हैं। एंटी बैक्टीरियल में जैसे कि आपका मैरीगोल्ड का फ्लावर हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो ब्रांच हो, इसको भी यूज करते हैं कि जब भी आपको कट जाते हैं, घाव हो जाता है, तो आप उसमें इसके लीफ का पेस्ट बना के, पत्तियों का पेस्ट बना के आप उसको लेप लगा लेंगे तो जल्दी घाव भरते हैं। और साथ ही साथ इसकी मेडिसिनल पर्पज़ से भी, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी और मेडिसिन भी इससे बनती है। मैरीगोल्ड से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मैरीगोल्ड से मेडिसिन बनाई जाती है और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है, ठीक है। एंड थर्ड एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट आपने कहीं ना कहीं सुन रखे होते हैं। पहला वाला जो एस्पेक्ट है कि फ्लावर के तौर पर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते हैं मोस्टली। सेकेंड वाला जो है उसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, किस किस तरह से यूज कर सकते हैं इसका। हम टी वी बना के, इसके जो फ्लावर है इनकी टी वी बना के पी जाती है और वो हमें इनफेक्ट, कुछ भी हमारा गलत साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है उसमें। हम अगर इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। थर्ड जो पहलू है वो ओनली 10% लोग ही जानते हैं कि अगर आपके पास गार्डन है, आपके घर में जगह खाली पड़ी हुई है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। जैसे अभी मेरे यहाँ लगा हुआ है मैरीगोल्ड, ये जो एरिया है खाली पड़ा रहता है, इसमें हमने मैरीगोल्ड लगाया है और इसको एज ए हम अपने कॉमर्शियल क्रॉप की तरह, या फिर आप कह लीजिए कि फिर हमारा जो खाली पड़ा वेस्ट लैंड है, हम उसको यूटिलाइज करके इसको कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे यूज कर सकते हैं और इससे हम अर्निंग कर पाते हैं। एक बिजनेस के तौर पे भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में थोड़ा बहुत एरिया बचा हुआ है जो कि खाली पड़ा रहता है, तो उसमें आप मैरीगोल्ड ज़रूर लगाएं और वहां से जो फ्लावर्स उगते हैं, जैसे कि ये पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे एरिया में मैरीगोल्ड लगाया जाता है और इससे आमदनी भी कमाई जाती है। यानी कि किचन गार्डन से आपको सुंदरता भी मिलती है, साथ ही साथ आपका जो किचन गार्डन का खर्चा निकलता है वो भी निकलता रहता है। आप अगर इसको उगाते हो तो इसको अगर मार्केट में आप फ्लावर सेल करते हो तो उसके भी अच्छे खासे प्राइस आपको मिलते हैं, तो डबल बेनिफिट हो जाता है कि आपके घर में फुलवारी भी है, आप कहीं भी कोई फेस्टिवल है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको उसमें जो खरीद के बाहर से नहीं लाना पड़ता है मैरीगोल्ड या फिर कोई भी फ्लावर हो गया, तो आप यहाँ से इजीली से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास भी जो भी ज़मीन पड़ी हुई है उसको यूटिलाइज करें, अपने किचन गार्डन को इस तरह से डेकोरेट करें, इस तरह से सजाएं कि वो आपके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी हो, साथ ही साथ आपके लिए वो एक बिजनेस के तौर पर या फिर साइड इनकम के तौर पर भी निकल के आ सके। तो ये मैरीगोल्ड जब आप लगाते हो घर में, किचन गार्डन में या फिर कोई भी खाली पड़ी एरिया में, तो वो आपकी एज ए साइड वेज इनकम भी कहलाती है, साइड इनकम भी आपकी आती रहती है। आपका जो मेन प्रोफेशनल है उसके अलावा भी ये क्या करती है, आपको इनकम प्रोवाइड करती है। तो आप मैरीगोल्ड के तीन बेनिफिट मैंने बताया कि पहला कि आप एज ए इसको फ्लावर के तौर पे, जो कमर्शियल तौर पे इसको यूज किया जाता है फ्लावर के तौर पे। सेकंड जो है इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत, जिसमें मैरीगोल्ड की टी बना के, चाय बना के भी पी सकते हैं। इसकी पत्तियों का जो है पेस्ट, हम कहीं भी कट जाते हैं, कहीं भी चोट लग जाती है, तो वहाँ पर हम अगर लगाएंगे तो हमारी जो चोट है वो जल्दी, घाव है वो जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड चीज़ आती है कि जो कमर्शियल लोग पे हम क्या कर सकते हैं, मैरीगोल्ड को उगा सकते हैं, जो कि हमें एक साइडवेज इनकम देगी, साइड वे इनकम देगी, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो अपने निजी खर्चे हैं उनको भी उठा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई मैरीगोल्ड के बारे में और भी जानकारी चाहिए, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से सुनूंगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।